हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मिस्टर पंडा। आज होंडा एक्टिवा गाड़ी का क्रैंकशाफ्ट एक महीने में ख़राब हो गया है और क्रैंकशाफ्ट में कनेक्टिंग में पिस्टन पूरा जाम हो गया है। उस पिस्टन को हम कैसे निकालें और वो क्रैंकशाफ्ट को हम कैसे फिर से इंजन में फिटिंग करें, चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अभी देखो कनेक्टिंग में पिस्टन जाम हो गया है। उस पिस्टन को दो साइड थोड़ा कटिंग मशीन से हम पिस्टन को कटिंग करेंगे, दोनों साइड कटिंग कर लेंगे। देखो थोड़ा आराम से और सेफ्टी से कटिंग करना, क्योंकि हाथ को आ जाता है और सेफ्टी ग्लोव्स और गॉगल्स पहन के ही कटिंग करना है। देखो ये पूरा अभी एक ही साइड कटिंग हो गया है। अभी हमने थोड़ा हमारे से हमारिंग करी। देखो ये पिस्टन का होल ग्रुप कट हो गया है और दूसरी साइड की का भी थोड़ा कटिंग कर देना। अभी कटिंग मशीन लेकर आया और दोनों साइड थोड़ा थोड़ा 20 mm बीच बीच में कटिंग कर दें। अभी कटिंग हो गया है और थोड़ा हमारिंग करेंगे। देखो आराम से कैसे निकल गया। देखो वे कनेक्टिंग में कैसे गर्जन पिन पूरा जाम होकर रहा है, क्योंकि ऑयल सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाया। अभी हमने सेम साइज का एक बॉक्स बनार लेकर आया और थोड़ा हमारिंग से हमारी किया। देखो एक दो फिर नीचे चला गया। देखो ठीक से बैठ गया और थोड़ा एक पिन लगाकर हमने गर्जन पिन को निकाल लिया। गर्जन पिन निकाल लिया, लेकिन गर्जन पिन में थोड़ा स्क्रैच हो गया है विदाउट ऑयल के निशान। देखो थोड़ा जूम करके वीडियो को देखो। ये गर्जन पिन एक नया लग रहा है लेकिन अंदर नहीं जा रहा है। जब भी इंजन फिटिंग करेंगे तो कनेक्टिंग रॉड में गर्जन पिन फ्री से घूमना पड़ेगा। अभी थोड़ा एमआर पेपर और रॉड देके गर्जन पिन कनेक्टिंग को थोड़ा हम फाइलिंग करेंगे। करने के बाद देखो चारों तरफ घुमा घुमा कर फाइलिंग करना पड़ेगा। लगभग 10 मिनट ऐसी तरह ऊपर नीचे घुमा घुमा कर एमरी पेपर के सहारे कनेक्टिंग रॉड तो हमने ग्राइंड करेंगे। अभी देखेंगे कनेक्टिंग चारों तरफ हो गया है। अभी गर्जन पिन को हमने डालेंगे। देखो आराम से, देखो कैसे फ्री से आ रहा है। जब भी फिटिंग करना है उसी तरह फिटिंग करना। देखो कोई शेक भी नहीं है और आवाज़ भी नहीं कर रहा है, एकदम बढ़िया हो गया है। अभी थोड़ा किरोसिन ऑयल से हमने क्रैंकशाफ्ट, यह देखो किरोसिन ऑयल और ब्रश और ट्रे, उस क्रैंकशाफ्ट को हम फुल तरह से क्लीन कर देंगे, बेरिंग वगैरह वगैरह। क्योंकि ना एक महीने हुआ सिर्फ इंजन काम करते हुए, लेकिन वो मिस्त्री ने सब किया लेकिन ऑयल पंप और ऑयल पंप पिनियन को नहीं डाला था, इसलिए ऑयल पंप से ऑयल नहीं उठा रहा था और कनेक्टिंग पूरा जाम हो गया था। इसलिए हमने नया कनेक्टिंग नहीं डाला। उस कनेक्टिंग को हमने पिस्टन को निकाल दिया और कनेक्टिंग को पॉलिश करके वो हो गया। देखो आराम से चारों तरफ फुल क्लीन हुआ है। बेरिंग भी नया सब डाला था और ओरिजिनल बेरिंग।
अच्छी तरह से अच्छा क्रिएशन ऑयल से डाल देंगे, फिर पेट्रोल में थोड़ा डालकर अभी क्रिएशन सफाई हो गया, जितना मेटल था सब निकल गया। अभी अभी हमने थोड़ा ब्लोर से उनका जितना किरोसिन ऑयल उनके अंदर है सब निकाल देंगे। देखो आराम से ब्लोर लगाकर लगाना है। कनेक्टिंग में अच्छे तरह से ब्लोर लगाना है, क्योंकि जो किरोसिन रहेगा जाएगा तो साउंड का प्रॉब्लम हो सकता है। अभी पूरी तरह से किरोसिन ऑयल क्रैंकशाफ्ट ड्राई हो गया है। अभी हमने कॉटन बेस्ट से देखो जैसे नया जैसे हो गया है कनेक्टिंग, अभी थोड़ा नया ऑयल हमने डाल देंगे बेरिंग के अंदर और कनेक्टिंग के अंदर ऑयल हमने डाल दिया है। देखो पूरा फ्रीज से नया जैसे कनेक्टिंग हो गया है, और थोड़ा कनेक्टिंग पिन में थोड़ा ऑयल डाल देंगे तो बेरिंग के चारों तरफ फैल जाएगा, और जितना भी किरोसिन ऑयल कनेक्टिंग के अंदर होगा वो ऑयल के सहारे निकल जाएगा। अभी नया तरह फ्री हो गया है, कोई चारों तरफ हमने ऑयल दे दिया। अभी नया जैसे खिल रहे और कुछ सेक वगैरह वगैरह कुछ नहीं है। अभी हमने उनको सफा कपड़े से टाइट कर देंगे। वीडियो सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार, जय जगन्नाथ।